फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज टेक्नोलॉजी टिक्स चैनल के एक नए कमाल इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पुष्पक विमान के बारे में। तो दोस्तों, पुष्पक विमान के कुछ साइंस फैक्ट के बारे में, इसके कुछ फीचर्स के बारे में दोस्तों जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पुष्पक विमान हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में वर्णित एक वायुवाहन यानी कि एयरप्लेन था उस वक्त का। दोस्तों, उस समय लंका का राजा रावण इसको यूज करता था। पुष्पक विमान से ये आना जाना आवागमन किया करता था। दोस्तों, इसी विमान का उल्लेख सीताहरण में भी आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, रामायण के अनुसार राम रावण युद्ध के बाद दोस्तों जब रावण परास्त हो गया था तो दोस्तों श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी और उनके साथ तथा लंका के नव घोषित राजा विभीषण और बहुत सारे लोग सहित लंका से अयोध्या लौटे थे। दोस्तों, यह विमान मूलतः धन के देवता कुबेर के पास हुआ करता था, जिससे रावण ने छीन लिया था। इस विमान के साथ साथ पूरे लंका नगरी को छीन लिया था। तो दोस्तों, अन्य ग्रंथों में उल्लेख के अनुसार पुष्पक विमान का निर्माण अंगिरा ऋषि द्वारा देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, इस विमान में आपको अदृश्य होना और पीछा करना ऐसे कुछ फीचर्स उस समय मौजूद थे। तो दोस्तों, ये प्राचीन विमानों के मुख्य दो श्रेणियों में बताई गई है। प्रथम, मानव निर्मित विमान आधुनिक विमान की भांति पंखों की सहायता से उड़ान भरते थे दोस्तों। और जो द्वितीय, आश्चर्यजनक विमान जो कि मानव द्वारा निर्मित नहीं थे किंतु उनका आकार प्रकार आधुनिक उड़ान तस्वीरों से अनुरूप हुआ करता था। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे फीचर्स थे उस वक्त के लिए। तो दोस्तों, जैसे इसका आकार अब जरूरत के हिसाब से छोटा या फिर बड़ा किया जा सकता था। दोस्तों, इसको कहीं ले जाने के लिए इसका गति जो होता था वो मन के गति से इसको असीमित अनलिमिटेड स्पीड से चलाया जा सकता था। दोस्तों, ये नवचर वाहन के होने के साथ ही भूमि पर भी चल सकता था। दोस्तों, ये भूमि पर भी चल सकता था और हवा में भी चल सकता था। तो दोस्तों, इस विमान में स्वामी के इच्छा अनुसार गति के साथ बड़ी संख्या में लोग सवार होने की क्षमता थी। तो दोस्तों, ये जरूरत के हिसाब से ये बड़ा या फिर छोटा हो जा सकता था। तो दोस्तों, ये विमान यात्रियों की संख्या वायु के घनत्व हिसाब से स्वयं में अपना आकार छोटा या फिर बड़ा कर सकता था। तो दोस्तों, क्योंकि विमान गगन में अपने स्वामी के इच्छा अनुसार भ्रमण करने में सक्षम था, तो दोस्तों इसलिए इसे स्वामी कुबेर द्वारा देवताओं की यात्रा करने के लिए भी दिया जाता था। दोस्तों, एक बार रावण ने कुबेर से उसकी नगरी लंकापुरी, सोने की लंका और उसका ये विमान पुष्पक विमान छीन लिया था। तभी कुबेर ने वर्तमान तिब्बत के निकट नई नगरी अलकापुरी में इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, रावण के वध के उपरांत भगवान ने इसे लेकर एक प्रयोग उपरांत स्वामी कुबेर को जो कि इसके निर्माता थे, तो दोस्तों राम जी ने कुबेर जी को ये लौटा दिया था। दोस्तों, इस एकल प्रयोग को विभीषण के बहुत निवेदन पर राम ने सब लोगों को लंका से अयोध्या वापसी हेतु प्रयोग किया था। तो दोस्तों, वर्तमान श्रीलंका के श्री रामायण रिसर्च समिति के अनुसार रावण के पास अपने पुष्पक विमान को रखने के लिए चार विमान क्षेत्र थे। इन चारों विमान क्षेत्रों में एक का नाम उसान गोरा था। इस हवाई अड्डे को हनुमान जी ने लंका दहन के समय जलाकर नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों, अन्य तीन हवाई अड्डे गुरुलोपथा और तोतोपोलांदा और बारियापोला जो सुरक्षित बच गए थे दोस्तों, ये आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।